नमस्कार साथियों, आज हम अध्याय नंबर 12 जिसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और साथ ही साथ अन्य विषयों अन्य चैप्टर के भी इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे हल। तो इस वीडियो में हम गणित के बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे 30 जून की परीक्षा के लिए। तो आज हम 25 जून को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने से पहले इस वीडियो को दो बार ढंग से देख करके जाना है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों कि जो आज के मैं वीडियो में प्रश्न पत्र हल कराऊंगा, इनकी जो क्वेश्चन हल कराऊंगा आपको, उनमें से आपको काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आज पहले एक शुरू करते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले अध्याय 12 के में आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रमेय हैं, उन प्रमेयों का आपको अध्ययन करवा देता हूं। तो पहला प्रमेय आपके सामने लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। हमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त की बात हो रही है, एक वृत्त के चाप द्वारा, इनकी मान लिया ये हमारा वृत्त है, ठीक है साथियों, तो ये हमारा मान लिया ये वृत्त है। अब कह रहा है कि इस वृत्त के एक चाप, यानी कि हमने कोई चाप मान लिया इसका, यहां नाम दिया ए और यहां नाम दे दिया बी, तो ये एक ए बी चाप बन गया। इस ए बी चाप द्वारा इसको केंद्र पर एक कोण बनता है, यानी कि ये केंद्र बिंदु है, इसके ऊपर एक कोण बनेगा इस प्रकार से, दो त्रिज्याओं को मिलेंगे, तो इस ए बी चाप द्वारा केंद्र पर यह कोई कोण बन गया, इसका नाम हो गया ए ओ बी, ये एक कोण बन गया। अब हमें कह रहा है कि इसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण वृत्त के शेष भाग कौन सा, ऊपर वाला शेष भाग रह गया, नीचे वाला भाग काम आ गया, तो ऊपर वाला भाग क्या है, शेष रह गया। तो इस ऊपर वाले भाग के बारे में बात हो रही है, कह रहे हैं तो कि शेष किसी बिंदु पर, किसी भी शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो हमने बिंदु ले लिया यहां पर, इस बिंदु का नाम ले दिया हमने सी। यानी कि बात यह कर रहा है प्रश्न में कि इस सी बिंदु पर जो कोण बनेगा, इस सी बिंदु पर जो कोण बनेगा वो कोण इस प्रकार से बनेगा, और बात ये हो रही है कि किसी बिंदु पर अंतरित कोण, शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण, यानी कि जितना कोण ये होगा, कौन सा कोण, ए सी बी, यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि ए सी बी के दुगुना होना चाहिए ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी का मान है जो ए सी बी का, क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए, ये हमें इस प्रश्न में बात करनी है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो लिखना होता है। हमेशा सिद्ध करने वाला प्रमेय हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पॉइंट ध्यान रखने, आप लिखोगे ना कि दिया हुआ क्या है तो भी अपना प्रश्न सही माना जाता है, और एग्जामिनर हमेशा पॉइंट नोट करता है कि विद्यार्थी ने पॉइंट क्या लिखा है और क्या पॉइंट विद्यार्थी ने पीछे छोड़ा है। तो हमें सबसे पहले लिखना है पॉइंट में कि दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, तो हमें दिया हुआ है कि ए बी चाप, ए बी है जो चाप, ए बी केंद्र पर, चाप ए बी केंद्र, केंद्र का नाम क्या है, ओ, केंद्र ओ पर, हमें ये दे रखा है कि चाप ए बी केंद्र ओ पर अंतरित कोण, ओ पर अंतरित कोण, अंतरित कोण कौन ए ओ बी, केंद्र ओ पर अंतरित कोण ए और ए ओ बी तथा शेष भाग पर अंतरित कोण, शेष भाग पर अंतरित कोण, अंतरित कोण
क्या नाम है कौन से इस भाग पर? ए सी बी, ए सी बी है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है, ये तो दे रखा है। बात प्रश्न के अंदर ये तो हो रखी है, देखो कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसी किसी बिंदु के शेष बिंदु किसी भाग के किसी बिंदु पर शेष अंतरित कोण, ये दो बातें अंतरित कोण है तो अंतरित कोण में दे रखे हैं। पहला हमने क्या कोण माना है, यहाँ आप कोण भी लिख सकते हो या कोण ना लिखोगे तो कोण शब्द की जगह पर हम इस निशान का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी कोण का निशान ही होता है। जैसे मैं यहाँ पर भी कोण हटा दूं और यहाँ भी मैं इसका निशान लगा दूं तो ये हो गया दो कोण बन गए। क्या क्या बन गया? एक कोण बन गया ए ओ बी, एक कोण बन गया ए सी बी, ये दो हमें बातें दे रखी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। तो देखिए हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना, थोड़ा सा मार्कर सीखना ज्यादा प्लाई सीखनी ज्यादा है तो चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम काम कर लेंगे। हमें किसी भी चीज में कमी निकालने से पहले ये बात ध्यान रखनी है कि हम कितनी मेहनत के साथ क्या काम कर रहे हैं। आग के लिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में भी उतनी आप भी मेहनत कीजिए खुद के लिए तो आपको 100% बेनिफिट होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि क्या सिद्ध करना था, मैंने अभी बताया था आपको कि कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी, इस कौन का मान है ना वो डबल होना चाहिए कौन ए सी बी का, ए सी बी का डबल होना चाहिए, इनकी दो गुना 2ACB के बराबर होना चाहिए, हमें ये बात सिद्ध करनी है। तो यहां तक आपके इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट लिखे। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाला लिख दिया। अब मैं इसकी क्या करता हूं मित्रों, तो इसकी हम करते हैं रचना करते हैं। काफी बार विद्यार्थी यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ रचना लिखते हैं, काफी बार रचना लिखते नहीं है, सीधी उपपत्ति लिख देते हैं। तो जिस क्वेश्चन में हमें रचना करनी होगी उसमें हम रचना लिखेंगे, तो आपको थोड़ा सा इसमें हिंट ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में हमें यह पूछ रखा है कि एक चाप है वृत्त पर केंद्र के अंतरित कोण और बाह्य शेष भाग पे बात कर रहा है, तो हम इसकी थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं कि हम सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाते हैं। रचना यह करते हैं कि सी को ओ से मिलाते हुए क्या करते हैं, इस पी तक बढ़ा देते हैं। रचना में क्या की, रचना में लिखा सी को ओ से, सी को ओ से मिलाते हुए, ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया, जो काम किया वही लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा है। तो हमेशा आप एग्जाम में काम करते समय अपना काम साथ साथ ध्यान रखना कि हमने क्या क्या काम किया। तो हमने सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया, हमारी रचना हो गई। अब हमें क्या करनी, इस प्रश्न को हल करना है, तो हल करने के लिए हम इस प्रश्न में करते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। अगला पॉइंट है हमारा वो है कि हम इस प्रश्न में करते हैं, अब इसको प्रूफ करते हैं। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ करना, सिद्ध करना, सिद्ध का मतलब प्रूफ करना है, तो उपपत्ति करते, उपपत्ति मैंने कि इसके अंदर में क्या कॉन्सेप्ट काम आएंगे वो उसके बारे में यहाँ पूरी डिस्कशन होता है। काफी बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपपत्ति में क्या करना है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा सबर रखो, अभी मैं आपकी शानदार ट्रिक बताऊंगा उपपत्ति में आपको क्या लिखना होता है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको इस क्वेश्चन करने के बाद में आपको इसका हिंट दूंगा, तो पहले आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको हिंट बाद में मिलेगा। तो चलिए उपपत्ति में हमें ये पूछा है, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, तो हम उपपत्ति में हम ये कर सकते हैं क्या, देखना एक मिनट, थोड़ा सा स्टैंड हिल चुका है, कोई बात नहीं। देखो उपपत्ति में मैं आपके सामने त्रिभुज लेता हूं, इस चित्र में देखो आप, मैं त्रिभुज का नाम लिख रहा हूं यहां पर, त्रिभुज ए सी ओ, मैंने त्रिभुज का नाम लिखा ए सी ओ, ए सी ओ, आप बता सकते हो ए सी ओ कहां पर है? तो देखो जो मैं यहां पे आपके सामने कुछ डॉट डॉट बना रहा हूं त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज की मैंने बात की है, जहां मैंने डॉट डॉट बनाया इस त्रिभुज का नाम देखे तो ए सी ओ त्रिभुज मिलता है। अब देखना एसीओ त्रिभुज में क्या होता है कि देखो ओ से ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, ये वाली ओ से ए तक वाली, जो ओ से ए तक है वो वृत्त की त्रिज्या है, इसी प्रकार ओ से सी तक है वो भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ओ ए और ओ सी बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। और ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है ना,
उसे हम कहते हैं समदी बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? तो समदी बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो त्रिभुज एसीओ एसीओ है वो समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु दो भुजाएं बराबर है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि एसीओ है वो समद्वि बाहु त्रिभुज है। यहां तक आपके इस मैटर यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्यों सम बराबर है? तो यहां लिखेंगे क्योंकि, या हम ऐसे कुछ निशान बना भी सकते हैं इसलिए क्योंकि। क्यों बराबर है? क्योंकि यहां ओ ए बराबर है ओ सी के, ओ ए बराबर है ओ सी के। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं है इसलिए ये बराबर है। फिर हमें क्या करना है? अब देखो, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो हमने त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ रखे हैं छोटी कक्षाओं में कि जिस भुजा के सामने का कोण होता है वो, जब दो भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे, तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे मैं आपको लिखाता हूं। देखो पहले मैं ओ ए के सामने का कोण देखता हूं, कौन है ओ ए के सामने? कोण ए सी ओ, कोण ए सी ओ बराबर है कोण कोण सी ए ओ। क्या क्या बराबर है? कोण ए सी ओ और कोण बराबर है ओ ए सी। ओ ए सी लिख दो यार, कोई बात नहीं। ओ ए सी देखो, ओ ए सी यानी कि ये वाला कोण, कौन से कोण? ये वाला कोण और ये इतने त्रिभुज के अंदर बना हुआ कोण है ना, इतना वाला कोण बराबर है। अब ये क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं बराबर है, और जब भुजाएं बराबर है तो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे आप लिख भी सकते हैं यहां पर, क्या कारण लिखोगे? भुजाएं बराबर है इसलिए। कारण क्या देगा? भुजाएं बराबर है इसलिए ये कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए इसके बाद में हमें क्या सिद्ध करना है? अब देखो, अब मैं एक बात लिखता हूं आपके सामने, कोण लिखता हूं कि कोण लिया मैंने, कोण ए ओ पी। ए ओ पी कोण देखो कहां पे बना हुआ है, ये वाला कोण। इस कोण की मैं बात करूं अब आपके सामने, ए ओ पी की बात कर रहा हूं। तो ए ओ पी कोण है, ये कोण किसका? त्रिभुज ए ओ सी का बेस कोण है। कोण क्या है? ये कोण है ना, ये कोण त्रिभुज है। मैं अभी लिया था त्रिभुज ए सी ओ, ए सी ओ का क्या है? बेस कोण है। ए सी ओ का ये क्या है? बेस कोण है, बाहर बना है इसलिए बेस कोण कह रही है इसको, बेस कोण है। अब देखो कौन सा कोण बेस कोण है? ए सी ए ओ पी, ए ओ पी यानी कि ये वाला कोण बेस कोण है। अब इस बेस कोण का मान होता है ना त्रिभुज की प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं हम, तब कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के बेस कोण का मान होता है शेष दो अंत कोणों के योग के बराबर होता है। शेष दो अंत कोण कौन कौन से? अभी मैंने ऊपर बराबर लिखे ना, ये दो शेष अंत कोण है, क्योंकि ये तो इसके साथ बेस कोण के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो कोण है यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है, ये तो कोण त्रिभुज इसके साथ जुड़ा बेस कोण के, तो ये तो अंत शेष साथ होगा ना, शेष दो पूछा है तो इसको छोड़ दो, शेष दो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो हम यहां लिखेंगे प्रॉपर्टी, लिखा आगे लिखूंगा मैं, पहले यहां लिख देता हूं इसका मान, लिख देता हूं कि कोण जो है, कोण ए ओ पी है, इस ए ओ पी के अंदर जो कोण ए ओ पी है ना, इस ए ओ पी के अंदर एक बात हो रही है, वो क्या हो रही है कि जो कोण ए ओ पी है ना वो किसके शेष दो कोणों के योग के बराबर है। किस किसके? तो ये हो जाएगा कोण ए सी ओ प्लस कोण ओ ए सी के, क्योंकि ये शेष दो कोण है तो इसका योग किसके बराबर आ गया? इसका योग आ गया कोण ए सी ओ प्लस कोण ओ ए सी के बराबर आ गया। अब आपको इसका आप समीकरण नंबर भी रख सकते हैं, ध्यान रखने के लिए कोई बात नहीं, यदि रखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं रखो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप समीकरण एक रखते हो तो इसका आप समीकरण नंबर दो रख सकते हो। अब देखो समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो में मैं आपको बात बताता हूं, यहां दोनों कोण बराबर है तो मैं इन दोनों का नाम अलग अलग ना लेके दोनों के नाम एक जैसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। यदि मैं इन दोनों के नाम एक जैसे लिख दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? तो मेरे पास में आ जाएगा, यहां से मैं इसको यहां आगे लिख देता हूं, यहां मेरे पास आएगा कि कौन
एओपी है ना, ये बराबर हो जाएगा टू एसीओ के, टू एसीओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। एसीओ लिख सकते हो या आप ओएसी भी लिख सकते हो, लेकिन आपने क्या लिखना है, हमें सिद्ध करना है ना, वही हम लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है हमारे को, एसीबी सिद्ध करना है, तो सी हमारे साथ में आना चाहिए, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा है। चलो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, इसको आप समीकरण नंबर दो दे दो, ये तो दो था ही। अब इसको आप क्या करो, इस प्रकार बॉक्स में बंद कर दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे इसमें अभी काम लेंगे हम इसको। तो मैंने एक चीज यहां से ज्ञात कर ली, क्या ज्ञात कर लिया मैंने, ACO, ACO यानी कि ऊपर वाले का मैंने आधा ज्ञात कर लिया है। अब देखो इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, इसी प्रकार क्या करते हैं, देखो इसी प्रकार अब पूरा मैटर इसी प्रकार लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा मैंने ये सॉल्व किया वैसे हम आगे वाला सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व नहीं करना था, आपको लिखना है, शब्द लिखना है इसी प्रकार। अब आपने इसी प्रकार लिख दिया, तो इसी प्रकार हम ए त्रिभुज लेते हैं, इधर वाला कौन सा, बी ओ सी, पहले लिया ए ओ सी, अब लिया मैंने बी ओ सी, तो बी ओ सी लेंगे तो कौन होगा ना, कौन बी ओ पी, कौन सा कौन नीचे, इसका बेस कौन कौन सा है, बी ओ पी तो है, यहां देखो ये कौन कौन सा है, ए ओ पी है, जब ये त्रिभुज लिया था ए ओ पी लिया था, अब ये त्रिभुज ले रहे हैं इधर वाला, तो लेंगे बी ओ पी, क्या लेंगे, इसी प्रकार कौन बी ओ पी, इसका मान भी किसके बराबर हो जाएगा, दो बी सी ओ, किसके बराबर हो गया, इसका कौन बराबर हो जाएगा, टू बी सी ओ के बराबर हो जाएगा। सेम पूरा प्रोसेस हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ हमें यह बात याद रखने कि इसी प्रकार लिख दिया और यह भी बात हमें इसमें ज्ञात कर ली। अब देखो जो मैंने दो बॉक्स में लिखे हैं इनके आप समीकरण नंबर लिख दो, ये दो नंबर है तो ये आपका समीकरण नंबर लिख दो इसको तीन, और ये लिख दो समीकरण नंबर चार। यहां तक आपकी चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब हम क्या करते हैं कि हमें जो सिद्ध करना है ना उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण तीन और चार को जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर जो तीन है, इस समीकरण नंबर तीन व समीकरण नंबर जो चार है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण नंबर तीन और चार को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण नंबर तीन और चार को जोड़ने पर, जैसा मैं आपको काम बता रहा हूं करके वैसा ही काम आपको कॉपी में करना है। जितना साफ काम करेंगे, मैथ्स हो सही कोई सब्जेक्ट हो, राइटिंग हमेशा महत्व रखती है। तो तीन और चार को जोड़ते हैं, तो तीन नंबर में तो है कौन, एओपी, और चार नंबर में है कौन, बीओपी। तीन नंबर में मान है टू एसीओ, टू ए सी ओ, और इसमें माने टू बी सी ओ। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा मैटर। अब देखो यहां से देखो ए ओ पी और बी ओ पी, ए ओ पी बी ओ पी, यानी कि पूरा जोड़ेंगे तो पूरा बनता है, पूरा क्या बन जाता है, तो इनको जोड़ा तो पूरा बन गया कौन, ए ओ बी, क्योंकि एक टुकड़ा ये जोड़ा एक टुकड़ा ये जोड़ा तो पूरा बन गया ए ओ बी। इसी प्रकार देखो इन दोनों में से दो कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से दो कॉमन आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे पास, बन जाते हैं कॉमन दो आ गए तो अब हमारे पास में क्या आएंगे, तो आएगा कौन ए सी ओ प्लस कौन बी सी ओ। ए सी ओ और बी सी ओ का मान कितना, देखो ए सी ओ बी सी ओ यानी कि आधे आधे जुड़ जाते हैं, पूरा क्या बन जाता है, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा कौन ए ओ बी बराबर दो कौन ए सी बी। हमें क्या सिद्ध करना था, कौन ए ओ बी बराबर दो कौन ए सी बी, और ये हमारा आया या नहीं आया, तो आ गया हमारे इस क्वेश्चन में आंसर। तो ये था हमारा इसका इम्पोर्टेंट आंसर आ गया। तो यहां हम इसको बॉक्स में बंद करके इसके आगे लिख देंगे, हमें सिद्ध कर दिया बात जो हमें सिद्ध करनी थी, तो लिख देंगे इति सिद्धम। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको इसकी ट्रिक ये बताने वाला था। पहला ट्रिक तो ये है
कि आपके सामने अभी जो ऑनलाइन जो मैंने क्लास लगा कि आपके क्वेश्चन समझे आए, तो आप इसको ढंग से वीडियो को रोक रोक के भी समझ सकते हैं। स्किप ना करना है, स्किप कर दोगे कोई भी चीज, स्किप करते ही आपके सामने से कॉन्सेप्ट हट जाएगा, यानी कि आप क्वेश्चन को चीज मिस कर दोगे, फिर आपके क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो स्किप ना करते चलना था। दूसरा ये था कि एग्जाम में जब आप जाते हो और ये चीज करनी है और भूल जाते हो, तो आपको दिया हुआ आपको क्वेश्चन के सामने रहता हो तो लिख सकते हैं, सिद्ध क्या करना वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आपको उपपत्ति में कुछ पता नहीं चलता है कि आपको क्या लिखना है, तो थोड़े बहुत त्रिभुज बना लिए, संधि भाव वगैरह वगैरह लिख करके, या आपने कुछ थोड़े बहुत अपने मन की सेटिंग अरेंजमेंट कर दिया। लास्ट में आपको जो सिद्ध करना है ना, वही आपने वापस लिख करके ऐसा बॉक्स बना के लिख दिया इति सिद्धम। तो आपको ये चार पांच नंबर का क्वेश्चन है, तो तीन नंबर, यानी एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, तो इस प्रकार से कुछ मैटर होते हैं, तो पॉइंट होते हैं, पॉइंट होकर नंबर मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसे दिया हुआ चीज होती है, आपको प्रश्न के सामने आप लिख ही सकते हैं, याद हो सहमत तो प्रश्न में आती है, सिद्ध करने वाली बात भी क्वेश्चन में आती है आप लिख सकते हैं, और लास्ट में इति सिद्ध में क्या सिद्ध करना था वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ वाली मैटर में यदि भूल भी जाते हैं, ये तीन बातें लिखोगे ना तो आपको आधे नंबर इस क्वेश्चन के मिल जाते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 होता है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, ये सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या 180 होते हैं। संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण इनका योग 180 डिग्री हो। तो चलिए हमें क्या करना है, एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बनाओ, ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बनाओ उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हमारा एक कोई मान लिया एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा हूं मैं आपके सामने, थोड़ा सा धीरे धीरे हम समझेंगे ना तो इसको ज्यादा समझ में आते हैं क्वेश्चन ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ऐसे। मैं थोड़ा स्पीड स्लो स्लो रख रहा हूं, यदि आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है तो आप थोड़ा सा मुझे सुझाव दे सकते हैं। देखिए मैं इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा हूं इस प्रकार से, ये है ए बी सी और डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया मैंने आपके सामने। अब देखो इस चक्रीय चतुर्भुज में यह कह रहा है कि सम्मुख कोणों का योग, तो हमें देखो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बना लिया मैंने आपके सामने। अब क्या करते हैं, इसकी सबसे पहला काम क्या था, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी आपको ऐसे प्रश्न आते हैं सबसे पहला काम लिखना है आपको सिद्ध क्या, सॉरी दिया हुआ क्या है। पहला पॉइंट है हमारा दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये मैं दे रखा है। क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये मैं दे रखा है। ठीक है, दूसरी बात अब देखो दिया हुआ लिख दिया तो अब क्या लिखना है, अब हमें लिखना है कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, तो सिद्ध करना है वो सिद्ध हमें ये करना है कि देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण पूछे, सम्मुख कोण का मतलब कोण ए, ए के सामने का कोण है सी, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, या तो हमें यह सिद्ध करना है या हमें सिद्ध करना है कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ये इनमें से दोनों में से एक चीज हम सिद्ध कर लेंगे तो एक ऑटोमेटिक अपने आप सिद्ध हो जाएगी, ये हमें सिद्ध करने है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी करते हैं कुछ रचना कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इसमें भी एक रचना लिख लेते हैं, थोड़ी छोटी सी है तो इसकी एक रचना लिखते हैं, या ध्यान रखनी है आपको, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है। इसकी हम रचना करते हैं, तो रचना में हम ये काम करते हैं, क्या काम करेंगे रचना के अंदर, तो रचना में देखो मैं बता देता हूं, इस बी को ओ से
बी को ओ से और डी से मिला देते हैं, ये अपना हमारा ओ। तो क्या काम किया इस ओ से, क्या काम रचना में किया, बी व डी को ओ से मिलाने पर इनकी बी और डी को ओ से मिला दिया। अब देखो बी और डी को ओ से मिला दिया, तो अब मैं आपके सामने कुछ एक फैक्ट बताता हूं। यहां पे एक कोण बनता है, इस कोण को हम कुछ भी मान सकते हैं। यदि मान लिया मैंने इसको मान लिया एक्स और इसको मैंने कोण को मान लिया वाई, ये आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसका। क्यों? क्योंकि मैंने माने हैं और मान भी सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक बात बताता हूं, अभी हमने इसके जस्ट पहले एक बात पढ़ी थी, इससे पहले पर मैं पढ़ा था, उस पर मैंने ये पढ़ा था कि जो ये चाप है ना डी ए बी, ये वाला चाप यहां से लेकर के डी से लेकर के बी तक का, ये डी ए बी चाप है, ये कहां पर कोण बनाता है, केंद्र पर कोण बनाता है एक्स डिग्री का। तो ये एक्स डिग्री का है तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा या नहीं होगा, सी का मान इसका आधा ही होता है, हमने पर में पढ़ा था अभी, यानी दुगुना है, यानी इसका मान है जो इसके दुगुने के बराबर है। तो इसका मान इसका आधा होगा, यानी जैसे देखो एक्स का मान है ना, एक्स का मान है वो दो गुना है सी के, कौन सी के, हमें कौन सी का मान ज्ञात करना है, दो गुणे में यहाँ भाग में आ जाएंगे, तो हमारे पास में कौन सी का मान कितना आएगा, कौन सी का मान आएगा, वो आएगा एक्स बटा दो के, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको आपकी इसकी उत्पत्ति करते हैं, यहां तक आपके समझ में आ गया दिया हुआ क्या था, सरत सिद्ध क्या करना था और रचना क्या करनी थी, हमने लिखे हैं। कुछ विद्यार्थियों को यहां तक आकर के ये समस्या आ जाती है कि अब हम क्या करेंगे, कि अब कैसे उत्पत्ति करेंगे, तो कुछ नहीं है, मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल भाषा में बहुत ही शानदार स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से आपके सामने उत्पत्ति लिख रहता हूं, तो आप थोड़ा सा सब्र रख करके वीडियो देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके इसमें वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखो अब हमें इसमें करनी है उपपत्ति, तो उपपत्ति में हमें क्या करना है, तो उपपत्ति में देखना ये हमें क्या करना, उपपत्ति है ना, इसमें हमें ये करना है कि सबसे पहले देखो मैं आपके सामने उपपत्ति में लिख लेता हूं, ये वाली बात जो भी मैंने बताई है यही लिखता हूं कि चाप है ना, चाप का नाम लिखता हूं, चाप डी ए बी, चाप डी ए बी है जो केंद्र पर चाप डी ए बी है जो केंद्र पर एक्स डिग्री का कोण बनाती है, एक्स डिग्री का कोण, एक्स डिग्री का कोण तथा शेष भाग पर कौन सी बनाती है, ये हमने लिखा है उपपत्ति में। क्यों अभी मैंने बताया, यहां देखो ये जो डी ए बी चाप है, ये वाला चाप यहां से यहां तक, चाप का मतलब गोल घेरा है जो यहाँ पे एक्स डिग्री कौन बनाता है और शेष भाग पर क्या कौन सा कौन बना रहा है, यही यहां से यहां देखो कौन सी लाइन आ रही है, सी कौन बना रही है, तो ये हो गया। तो हम क्या जानते हैं, इसलिए जब ऐसा बात आती है तो केंद्र पर बना हुआ कौन शेष भाग के दुगुना होता है या शेष भाग पर बना कौन केंद्र के भाग का आधा होता है, एक ही बात है, शेष भाग पर बना कौन केंद्र पर बने कौन का आधा होता है या शेष भाग पर बना केंद्र पर बना कौन शेष भाग का दुगुना होता है, इनकी या तो इसके देखो केंद्र पे बना कौन शेष भाग का दुगुना होता है जबकि शेष भाग पर बना कौन केंद्र का आधा होता है, अतः कौन सी बराबर क्या आ जाएगा, तो कौन सी बराबर आ जाएगा हमारे पास में एक्स बटा दो, समीकरण नंबर दो इसको एक। यहां तक आपके सामने जो चीज थी वो समझ में आ गई होगी, अब क्या करते हैं इसी प्रकार अब मैं बात करता हूं चाप, किसकी बात करता हूं, देखो ये ए डी सी बी, डी सी बी है वो कितना कोण बनाती है, डी सी बी इसके ऊपर वाले चाप के ले लेते हैं, ये चाप लिया जरूर, ये चाप लेना, ये भी चाप ले सकते हैं, तो इसी प्रकार चाप डी सी बी जो चाप है ना हमारा डी सी बी, ये क्या करता है, ये केंद्र पर है, जो केंद्र पर y डिग्री का कोण बनाती है,
और शेष भाग पर कितना बनाती है, तथा शेष भाग पर, शेष भाग पर कौन बनाती है, कौन बनाती है, ए का। यानी कि ये है इस चाप की मैं बात कर रहा हूं, तो इस चाप में जब कौन ये वाई बनता है तो ये सामने शेष भाग पर कौन बनता है, एक बनता है। तो यहां से मेरे पास में, यहां से मेरे ए का मान आ गया, वो आ गया वाई बटा दो, समीकरण नंबर दो। ये दो बातें होगी सीधे हमारे सामने। अब क्या करना है, समीकरण नंबर एक और दो को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अगला काम थोड़ा सा आपको समरी में याद रखना रहता है शॉर्टकट की। समीकरण जो एक है, एक व दो को आप क्या करते हैं, एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर। देखो एक और दो को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, तो एक और दो को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कौन सी प्लस कौन ए बराबर एक बटा दो एक्स प्लस एक बटा दो वाई। एक बटा दो एक्स लिखो या एक खाली एक्स बटा दो लिखो, एक ही बात है, क्योंकि एक बटा दो गुणे में हो रहा है। तो एक बटा दो एक्स और एक बटा दो वाई आ गया, इन दोनों में से एक बटा दो एक्स डिग्री और एक बटा दो वाई डिग्री। तो इन दोनों में हम देखते हैं तो कौन सी प्लस कौन ए का मान आता है, एक बटा दो कॉमन आ जाता है, तो यहां रहते हैं एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। अब देखो कौन सी प्लस कौन ए का मान आ गया, एक बटा दो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री क्या आ गया। अब देखो एक्स डिग्री है ये, वाई डिग्री है ये, तो पूरा जोड़ने पर कितना हो रहा है, पूरा वर्त बन रहा है छोटा सा, यानी केंद्र पर कौन कितना बनता है, पूरा गोल घूमने पर 360 का बनता है, यानी कि एक्स प्लस वाई का मान कितना है, एक्स प्लस वाई का मान है 360। यहां लिख देता हूं मैं आपके सामने, क्यों है, क्योंकि केंद्र पर कौन बनते हैं, तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर है, इनका योग है वो है 360 डिग्री के। तो यहां से हम लिख देंगे कि कौन सी प्लस कौन ए बराबर एक बटा दो इंटू 360। तो 360 से दो, दो से 360 कट जाएंगे, तो एक बटा दो है यहां पर, तो एक बटा दो से 360 कट गए और कितने रह गए यहां पर, 180 रह गए। तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया कि कौन सी प्लस कौन ए, इनका मान आ गया, वो आ गया 180 डिग्री। इसको मैं कर्म महीने में होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन ए प्लस कौन सी बराबर आ गया, वो आ गया 180 डिग्री। एक बात हमारी ये सिद्ध हो गई, एक बात ये सिद्ध हुई या नहीं हुई, देखो एक बात ये हमारी सिद्ध हो गई। तो अब देखो, अब हमारे को पता है कि दो कोणों के योग आ गए मेरे को 180, और चतुर्भुज की बात होती है तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 का होता है। चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इनका योग होता है 360 डिग्री का। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 360। यहां तक आपके समय में आ गया होगा। देखो अब यहां से देखो, मैं यहां के आगे का काम यहां लिख देता हूं कि यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब देखना, ये जो मान है ए और सी के मान मेरे पास 180 आ रखे हैं, तो मेरे पास यहां मैं मान रखूंगा, तो यहां का शेष का काम मैं यहां लिखता हूं, इधर इस साइड में नीचे दिखेगा नहीं, तो मेरे पास में आ गया कि कौन बी प्लस कौन डी, कौन बी प्लस कौन डी बराबर आ गया, वो आ गया। देखो इन दोनों का योग कितना, ए और सी का योग, ए और सी का योग है 360 180, तो 180 घटा देंगे तो 360 माइनस 180 तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा कौन बी प्लस कौन डी बराबर 180 डिग्री। ये था हमारा दूसरा पॉइंट सिद्ध करना जो हमने सिद्ध किया है। देखो क्या होता है कि कुछ हम थोड़े से स्लो मौसम में पढ़ते हैं ताकि हमें हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाए।
तो आपने ये वीडियो देखा है, दो दो क्वेश्चन किए अभी तक हमने, लगभग हमारे पास 30-35 मिनट का समय लग गया दो वीडियो करने, दो क्वेश्चन करने में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए समय मिलना जरूरी है, समय तो होगा। देखो मेरे को समझाते समय आपको 30 मिनट लगे हैं, और यदि आपको समय में आया हुआ है, जब आप इस पेपर में हल करेंगे तो आपको कम से कम इस क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का समय आपको चाहिए चाहिए। या 15 मिनट का समय लगोगे तभी आपका क्वेश्चन हल होगा। तो आपको प्रश्न पत्र हल करते समय समय का भी ध्यान रखना है। जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर हम आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके हाजिर होते हैं। चलिए, तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने वाला बहिष्कोण, एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो हमें क्या कह रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज कह रखा है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। डायग्राम जब हम चित्र बनना सीख जाएंगे, चित्र को समझ जाएंगे, तो इसमें क्या है कि चित्र के ऊपर पूरा खेल होता है। चित्र हमें समझ में आना जरूरी होता है। तो देखो ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है जो वृत्त के अंदर बनता है। हमने इसको वृत्त के अंदर बना लिया है, एक भुजा मैंने इसको बढ़ा ली है। अब देखो इस भुजा को मैंने कहां से कहां तक बढ़ा दिया, तो मैंने देखो यहां देखा नाम ए, ये हमारा है बी, ये था सी, ये था डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज था। इसको मैंने ई तक बढ़ा दिया। अब देखो यहां तक एक भुजा को बढ़ाने पर हमें पूछा है, तो क्या पूछा है, तो सबसे पहले दिया हुआ है, जो जितना दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं हम दिया हुआ, क्योंकि प्रश्न पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, उसको लिखते रहेंगे, काम करते रहेंगे प्रश्न को पढ़ पढ़ के, तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। तो हमें क्या है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा बढ़ी हुई है, जिसकी जिसकी ए बी भुजा को जिसकी ए बी भुजा को जिसकी ए बी भुजा को ए तक बढ़ाया गया है, ए तक बढ़ाया है, ए बी भुजा को ए तक बढ़ाया है। ठीक है, यहां तक ए तक बढ़ा दिया, ये हमारे को दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने वाली लाइन हम पढ़ेंगे अभी आपके सामने, करेंगे इसको सॉल्व, हल करेंगे। सिद्ध करने वाला कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ। देखो यहां तक हो गया, अब इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा भाषा दे रखी है, तो हम कैसे लिखेंगे। देखो क्या लिखा है, चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, तो बहिष्कोण कौन सा है, सी बी ई, बनने वाला बहिष्कोण हो गया कौन, सी बी ई, ये बनने वाला बहिष्कोण है सी बी ई। ये किसके बराबर होना चाहिए, अंतराभिमुख कोण के बराबर। अंतराभिमुख का मतलब इसके सामने कौन होता है, इसका अभिमुख, ये अंतर वाला कौन है, इसके सामने वाला कौन होता है, अंतराभिमुख कोण की ये कौन, किसके कौन के बराबर होना चाहिए, इस कौन के, क्या नाम इसका, कौन ए बी सी, इसके बराबर होना चाहिए, ये हमें बात कह रखी है। तो ए बी सी के बराबर होना चाहिए, ये हमें देखना है, हो गया। अब हम इसकी करते हैं उपपत्ति, क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। देखना उपपत्ति में भी मैं आपको एक चीज याद बताऊंगा कि कैसे काम करना है इसके अंदर, थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए अभी हमने चक्रीय चतुर्भुज की बात की थी, तब क्या बात की थी, कि हमने बात ये की थी कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर होते हैं ना सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ उपपत्ति में लिखेंगे कोण ए डी ई, ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, इनका योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने क्यों लिखा, ये चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म है। क्या गुणधर्म है, अभी मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया है, चक्रीय चतुर्भुज के गुणधर्म, यानी कि क्या सिद्ध किया था, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके लिए चक्रीय चतुर्भुज इसलिए मैंने लिख लिया, आगे मैंने शॉर्टकट कर दिया, चक्रीय चतुर्भुज का था इसलिए मैंने लिख दिया चक्रीय चतुर्भुज। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया ना, जस्ट पिछले वाला,
अभी जस्ट आपने देखा ही है कि सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री, ये हो गई बात 180 डिग्री की, यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर एक। उपपत्ति में देखो, मैंने उपपत्ति में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या हमें सिद्ध करना है। यहां तक लिख लिया मैंने, आप इस कोण की भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इस कोण के संबंधित रिलेटेड डेटा निकालना है, इस कोण के बारे में जानकर निकालनी है इस वाले कोण की, तो हम इस कोण की बात करेंगे। और इस कोण की बात करते हैं सकृत चतुर्भुज, तो यहाँ ये सामने वाला कोण की, इस कोण की भी बात करेंगे। तो अब देखो, अब मैं लिखता हूं आपके सामने, लिख रहा हूं कोण, अब आपके सामने है मार्कर में क्या है कि चिकनाहट ज्यादा है पलाई पर, तो मार्कर पकड़ता नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई, कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर दो। ये आपके समझ में आ गया होगा क्यों लिखा मैंने, ए बी सी, ए बी सी सी बी ई, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों के कोण कहां से रेखिक कोण है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण होते हैं रेखिक युग्म कोण, और इनका योग होता है 180 डिग्री। तो ये क्यों लिखा मैंने, कारण यहां लिख देता हूं मैं इसके सामने, ये मैंने इसलिए लिखा है कि रेखिक युग्म कोण है। कैसे कोण है, रेखिक या रेखीय युग्म कह सकते हैं आप, रेखिक युग्म कह सकते हैं, तो लिख दीजिए आप रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म कौन है, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया ये, ठीक है। चलिए यहां तक आपके चीज दो समीकरण एक और दो समय आ गया। अब देखो समीकरण इस एक में भी आपके सामने क्या आ रहा है, एबीसी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, एबीसी आ रहा है। तो इसको दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों के मान 180 बराबर है, तो हम समीकरण एक और दो को आपस में बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समीकरण एक व दो को बराबर करने पर, क्यों बराबर करते हैं कि दोनों के मान कितने हैं, तो दोनों के मान आप देखोगे तो दोनों के मान आपको 180 मिलते हैं, दोनों को हम क्या लिख देते हैं, बराबर लिख देते हैं। तो हमारे पास देखो, लिख देता हूं मैं समीकरण एक में क्या है, समीकरण एक में नाम है कौन, ए डी सी, और प्लस में लिखा हुआ है कौन, ए बी सी, बराबर में समीकरण नंबर दो में क्या है, कौन ए बी सी प्लस कौन सी बी ई, ठीक है। ये दोनों हमने आपस में बराबर लिखे, क्यों बराबर लिखेंगे, ये भी कौन देखो, इन दोनों का योग भी 180 आ रहा है, इन दोनों का योग भी 180 आ रहा है, तो 180 180 बराबर होते हैं, इसलिए हमने एक और दो से बराबर लिख लिए। जब बराबर लिखे तो देखना ए बी सी, ए बी सी दोनों आपस में बराबर गए, दूसरे एक दूसरे साइड से कट गए, ए बी सी और ए बी सी कट गए, तो पीछे क्या रह गया, तो पीछे हमारे पास साथ में रह गया कि कौन ए डी सी, ए डी सी बराबर आ गया कौन सी बी ई के। हमें क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कौन कि कौन सी बी ई, सी बी ई बराबर ए डी सी, वही है इधर देखो, इधर देखो एक ही बात है, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कौन सी बी ई, कौन सी बी ई, सी बी ई बराबर कौन ए डी सी, ये हमें लिख दिया, यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं धीरे इसलिए करा रहा हूं कि कुछ विद्यार्थियों के बहुत होशियार होते हैं, उनको तो तेजी से पढ़ाते हैं तो भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी थोड़े से लो कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनके लिए धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, तो शायद मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उनको भी समझ में आ जाता है। काफी बार ऐसे भी हो जाते हैं कि उस विद्यार्थी को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है धीरे धीरे समझाने से, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके हाजिर होते हैं। चलिए तो अब देखो, हमने तीन प्रमेय किए, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझेंगे तो हम काफी इसके बेसिक क्वेश्चन है जो हम हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, सीडी के समांतर रेखा एई खींची गई है, सीडी के समांतर, सीडी के समांतर ये एई है, ये वाली रेखा खींची गई है। फिर कह रहा है कि बीए, इस बीए रेखा को एफ तक बढ़ाया गया है, जहां पे कोण बन गया वो एबीसी, एबीसी कोण 12 डिग्री का है, तथा एफ एई
एफ ए ई है वो 20 डिग्री का है, तो हमें कोण ज्ञात करना है, कोण बी सी डी का मान ज्ञात करो, यानी कि हमें इस कोण का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ये हमें करना है हल। तो देखो हम इसके, अब देखो अब हमारे पास में ये सिद्ध करने वाली बात नहीं, हमें यहाँ क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है, कोई ऐसा नहीं कर सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध नहीं करना है, तो हम ऐसे सिद्ध किए गए कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसका करते हैं हल करते हैं, यानी कि इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गणित में उत्तर लिखते नहीं है, ज्यादातर हल लिखते हैं, उत्तर बाद में निकालते हैं तो वहां लिखते हैं उत्तर। तो आप हल लिखोगे ना तो भी ये थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि विद्यार्थी को नॉलेज है, एग्जामिनर कुछ बातें जो सामान्य बातें होती है उसको एग्जामिनर यही सीखता है, यही देखता है, सॉरी सिखाता है एग्जाम लेते समय। और एग्जामिनर क्या बड़े अधिकारी, इनकी बड़े लेवल के वो टीचर होते हैं फर्स्ट ग्रेड वगैरह के, कॉपी चेक करने वाले, तो वे हर चीज को छोटी छोटी बातें नोट करते रहते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है पहले हल, हल लिखने के बाद में आप देखो लिखेंगे कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो देखो एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि कौन एबीसी, कौन ए बी सी प्लस कौन सी डी ए बराबर 180 डिग्री, यानी कि ए बी सी और सी डी ए, यानी इन दोनों सामने वाले कोणों की बात हो रही है, बी और डी की बात हो रही है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज आएगा। अब हमारे पास इसका मान दे रखा है 92, 92 डिग्री दे रखा है, तो 92 डिग्री प्लस कौन सी डी ए बराबर आ गया हमारे पास 180 डिग्री आ गया, तो कौन सी डी ए बराबर आ जाएगा 180 माइनस 92, यानी कि वो आ गया हमारे पास 88 डिग्री का, यानी कि ये कौन कितना आ गया हमारे पास, इस कौन का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो इस कौन का मान आ गया हमारे पास, वो आ गया 88 डिग्री, ये हमें ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसको आपने समीकरण नंबर आप एक देख रख लो, एक रख लेते हैं, क्योंकि हम कुछ थोड़े से अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें मान रखने में समस्या नहीं आएगी। अब दूसरी बात हमें क्या है, दूसरी बात हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, यहां मैं लिख देता हूं कि हमें दे रखी है कि सी डी, क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है कि सी डी है वो सी डी समांतर है, किसके समांतर है, तो है ए ई के समांतर है, ये हमें दे रखा है, सी डी है वो ए ई के समांतर है, ये बात हमें दे रखी है। अब ये बात हमें दे रखी है तो समांतर दे रखी, तो अब देखना मैं आपके सामने कुछ कौन के नाम लिखता हूं, समांतर है तो कौन ई ए ई ए डी, ई ए डी बराबर हो जाएगा कौन ए डी सी के, क्यों हो जाएंगे बराबर, समांतर रेखाएं और ये कौन होते हैं, ऐसे कौन जो बनते हो एकांतर कौन कहलाते हैं, कैसे कौन ये, तो ये कौन है एकांतर कौन, कैसे कौन है एकांतर कौन, तो ये एकांतर कौन है। अब देखो ये एकांतर कौन है तो बराबर हो गए, अब यहां से मेरे पास पता है कि सी डी ए, सी डी ए या ए डी सी ए की बात है, ए डी सी लिखो या सी डी ए लिखो बात है, बीच में डी आए तो डी का मान हमारे पास दे रखा है, तो यहां से हमारे पास में कौन का मान हो जाएगा ई ए डी का मान हो जाएगा, वो आ जाएगा कितना 88 डिग्री का। अब देखो ये आ गया 88 और ये है 20, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो हमारे पास में कौन है, कौन एफ ए डी, एफ ए डी बराबर हो जाएगा कौन एफ ए ई प्लस कौन ई ए डी, तो इन दोनों का मान रख देते हैं, तो इसका मान हमारे पास दे रखा है 20 डिग्री और इसका मान हमारे को दे रखा है 88 डिग्री, तो टोटल मान हमारे पास आ गया 108 डिग्री, कितना आ गया 108 डिग्री आ गया। अब देखो अब मैं आपके सामने यहां तक लिख दिया, अब मैं आपके सामने बात लिखता हूं कि कौन एफ ए डी प्लस एफ ए डी प्लस कौन बी ए डी बराबर 180 डिग्री, रेखिक
युग्म। कैसे कौन है ये? तो ये भी कौन है? रेखिक युग्म। ठीक है, कौन से? एफ ए डी और डी ए बी, यानी इस कौन की बात हो रही है? रेखिक युग्म है। तो एफ ए डी का मान हमारे पास आ गया 108 डिग्री का, तो ये 108 डिग्री है, तो बी ए डी 180 डिग्री है, तो यहां से हमारे पास आएगा कौन? बी ए डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 108 में से 108 घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 72 डिग्री का। यानी कि ये कौन कितना आ गया हमारे पास? ये कौन आ गया 72 डिग्री का। अब हमें कौन कौन सा ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। यहां तक हो गया, ठीक है ये बात। अब देखो यहां तक हो गया, अब हम क्या करते हैं कि अब हमें सिद्ध क्या करना, अब हमें ज्ञात करना उसकी बात करते हैं। तो मैं लिखता हूं कौन बी सी डी प्लस कौन सी सॉरी कौन डी ए बी बराबर 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन है इसलिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन है इसलिए। ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि बी सी डी से प्लस डी ए बी, डी ए बी, तो ये और ये कौन की बात हो रही थी? इन दोनों कौन सम्मुख कौन है? 180 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो अब देखो, अब हमारे पास में आ गया कौन बी, कौन बी सी डी प्लस डी ए बी का मान हमारे पास यहां से आगे क्या कितना आया? डी ए बी, डी ए बी का मान है 72 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 72 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। तो यहां से हमारे पास में इस कौन का मान आ जाएगा, तो कौन आ जाएगा? बी सी डी, बी सी डी बराबर आएगा 180 माइनस 72, तो यहां से हमारे पास में मान आ जाएगा, वो आ जाएगा कौन? बी सी डी बराबर आ गया, वो आ गया 108 डिग्री का। यही हमें हल करना था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसको नोट कीजिए। तब तक हम आपके सामने एक और नया क्वेश्चन इसी प्रश्न लेकर इंपॉर्टेंट लेके आ रहे हैं। चलिए आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्त की दो जीवों में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। हमें ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि सिद्ध कीजिए कि बड़ी जीवा, दो जीवाएं जिसमें से बड़ी जीवा होती है तो केंद्र के निकट होती है। तो हम इसका देखो, इसका डायग्राम बना लेते हैं आपके सामने। तो एक वर्त है, हमें क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूं। तो दिया हुआ है हमें इस प्रकार से, एक वर्त दिया हुआ है, एक वर्त दिया हुआ है। इस वर्त के अंदर एक जीवा दे रखी है और ये दूसरी जीवा दे रखी है। इस जीवा का नाम तो है ए बी और इस जीवा का नाम है सी डी। अब मैंने क्या किया है, सी डी जीवा को बड़ा माना है, ए बी जीवा को छोटा माना है। तो अब ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसके अंदर बिंदु हो गया ओ, हमें ये दे रखा, इतनी सी बात दे रखी है, बड़ी जीवा छोटी जीवा। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि यहां से जो ये दूरी है, इस दूरी का मान हम लिख देते हैं एन, और यहां से जो ये दूरी है इस दूरी का नाम लिख देते हैं एम, यानी कि ओ एन का मान ओ एम से छोटा होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या दिया हुआ है? तो दिया ये है, दिया हुआ है, तो दिया हुआ ये है कि आकृति में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त का केंद्र ओ है और ये दिया हुआ है, जीवा सी डी है ना, जीवा सी डी है वो बड़ी है जीवा ए बी से, ये दिया हुआ है, जीवा सी डी बड़ी है जीवा ए बी से, ये हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध क्या करना है? जब सिद्ध करना लिख दिया, सिद्ध कीजिए, तो यहां हम लिखेंगे सिद्ध करना। चलो दिया वाले क्या है, तो अब लिखेंगे सिद्ध करना। अब हमें देखो प्रश्न में आप कमेंट करके बताओ हमें इसमें क्या सिद्ध करना है। तो हम इस कमेंट करके आप बताओ, मैंने भी बताया था पहले, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि हमें क्या सिद्ध करना है। चलिए बहुत अच्छा आपने बताया,
हमें ये सिद्ध करना है कि ओ एन का मान छोटा होगा ओ एम से, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, तो करते हैं इसकी रचना करते हैं। सिद्ध करने से पहले एक इसकी रचना करते हैं ताकि सिद्ध आसानी से हो जाएगा, कुछ रचना ही करनी पड़ती है। रचना में क्या करते हैं कि इस डी को ओ से मिलाते हैं और इस बी को भी ओ से मिलाते हैं। तो क्या किया, डी व बी को ओ से मिलाने पर, डी व बी को ओ से मिलाने पर, ये हमारी होगी रचना। क्या किया, डी को डी व बी को ओ से मिला दिया। अब इनको मिला दिया, अब हम इसकी करते हैं उपपत्ति। क्या करते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में लिखते हैं कि जो ओ एम और ओ एन है, यानी कि ओ एम तो लंब है आपका ए बी पर, ओ एम लंब है ए बी पर, व ओ एन लंब है सी डी पर। ये ओ एम और ओ एन, ओ एम तो लंबे ए बी पर, देखो ये ओ एम है, ये ओ एम लंबे ए बी पर है और ये ओ एन है लंबे सी डी पर। जब ये लंब डालते हैं तो हमने पढ़ रखा है कि लंब होता है तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास एम बी का मान है आधी हो जाएगी। एम बी क्या हो जाएगी, लंब इस त्रिज्या जीवा को आधा कर देता है, केंद्र बिंदु से डाला गया लंब जीवा को दो भागों बांट देता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि एम बी का मान होगा ना वो हो जाएगा एक बटा दो ए बी के, और यहां से हम लिख सकते हैं कि एन डी का मान होगा ना, एन डी का मान वो हो जाएगा एक बटा दो सी बी के, ये हमें हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, लंब इसी लंब के कारण लिख दिया, अब हम इसकी एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ एम बी, त्रिभुज लेते हैं कौन सा, तो त्रिभुज लेते हैं हम ओ एम बी, ओ एम बी में, इस त्रिभुज में देखो ओ एम बी की बात हो रही है, तो ओ एम बी त्रिभुज में लेते हैं, क्या लिखते हैं, ओ एम बी में देखते हैं तो हमें दिखता है क्या क्या चीज हम लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें हम लिख सकते हैं कि एम बी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, ओ बी का स्क्वायर लंब क्या है, ओ एम का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं ऊपर वाला, इसी प्रकार त्रिभुज एन ओ डी, त्रिभुज एन ओ एन डी, त्रिभुज लेते हैं ओ एन डी में, तो इस त्रिभुज में लेते हैं ओ एन डी में लिखते हैं, तो ओ एन डी में क्या लिखते हैं, एन डी का स्क्वायर बराबर, एन डी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब देखो क्या क्या लिखा हमने, तो हमने लिख दिया समीकरण नंबर, ये लिख दिया हमने एक, इसको हम समीकरण नंबर एक मान लो, पहली बात हमने उत्पत्ति में ये लिखी, दूसरी बात ये लिखी और तीसरी बात ये लिखी, तीन समीकरण बना लिए। अब देखो इन तीनों समीकरणों से मेरे पास में क्या हो गया, देखो अब मुझे ये बात लिख दी कि सी डी का मान ए बी से बड़ा है, क्या दिया है, दिया है ये दिया है, क्या दिया है, इसकी सी डी का मान है ना, सी डी है वो बड़ा है ए बी से, ये हमें दिया हुआ है। जब सी डी ए बी से बड़ा है तो एक बटा दो, तो क्या हो जाएगा, जब ये बड़ा है इससे तो एक बटा दो सी डी बड़ा हो जाएगा एक बटा दो ए बी से, जब ये बड़ा है इसका आधा भी बड़ा ही होगा, यहां तक आपको समझ आ गया कि ये चीज बड़ी है तो ये भी, ये क्या सी डी ए बी से बड़ा है तो आधा भी, तो आधे ए बी से बड़ा ही होगा, जैसे ये चार है और ये कितनी, ये छह और ये चार है, तो इसका आधा तीन, इसका आधा दो, तो दो भी तीन से बड़ा ही होगी, यहां तक समझ आ गया होगा आपको, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो अब क्या होता है कि एक बटा दो सी डी का मान हमारे पास दे रखा है, एक बटा दो ए बी का मान भी हमें दे रखा है, ये रहा एक बटा दो सी डी का मान कितना है एन डी, तो यहां से हम लिख देंगे एन डी, इसकी जगह भी लिख देंगे एन डी, और एन डी किससे बड़ा हो जाएगा एम बी से, एक बटा दो का मान कितना है एम बी से,
एनडी का मान क्या आ गया, एमबी से बड़ा आ गया। एनडी का मान क्या आ गया, एमबी से बड़ा आ गया। तो यहां से ये भी तो लिख सकते हैं कि एनडी का मान जब बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी तो बड़ा ही होगा, तो एनडी का स्क्वायर होगा वो भी एमबी के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर देते हैं चार, क्या लेते हैं समीकरण नंबर चार। देखो ये हमें दिया हुआ था, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके मान हमें समीकरण एक में लिखे थे वहां रख दिए, एक समीकरण एक के मान रख दिए, मान रखने के बाद इसका स्क्वायर कर दिया। यहां तक आपके कोई डाउट तो नहीं रहा। चलिए तो अब हम क्या लिखते हैं, अब हम करते हैं इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं कि समीकरण नंबर, चलो लिखते हैं, यही लिखते हैं अभी तक, समीकरण दो तीन व चार से, इन समीकरण से लिखो, समीकरण दो तीन और चार से क्या लिख सकते हैं। देखो दो में क्या लिखा हुआ है, दो में लिखा हुआ है एमबी का स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर माइनस ओएम स्क्वायर है, तो यहां हमें क्या लिखना है। देखो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं चार की जगह एनडी के स्क्वायर, एनडी स्क्वायर का मान कितना है, ओडी स्क्वायर माइनस है कि नहीं है, तो हम यहां से लिख सकते हैं ओडी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। ये मैंने किसका मान लिखा है, एनडी स्क्वायर का मान लिखा है, एनडी स्क्वायर, देखो एनडी स्क्वायर का मान ये है कि नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया, फिर ये बड़ा है तो बड़े का निशान लगा दिया। अब एमबी का स्क्वायर, एमबी स्क्वायर का मान कहाँ लिखा हुआ है, एमबी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो एमबी स्क्वायर का मान क्या है, तो एमबी स्क्वायर का मान है वो है ओबी का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर, यहां तक हमने लिख लिया। अब देखो अब हमने ये लिख लिया, अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक चीज पता है कि ओबी बराबर है ना, ओबी ये ओबी का मान है वो बराबर है किसके, ओडी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, कौन कौन सी बराबर है, एक तो है ओबी, ये रहा ओबी और एक है ओडी, ओबी और ओडी बराबर है तो क्या हो जाएंगे, यहां से ये आपके कट जाएंगे, कौन कौन से कट जाएंगे, ओबी स्क्वायर कट जाएगा, एक तो कर देगा आपका ओबी स्क्वायर कर देगा, किससे कर देगा, ओडी स्क्वायर से कर देगा। तो अब हमारे पास क्या रह गया, तो अब हमारे पास रह गया माइनस का ओ एन स्क्वायर बड़ा है माइनस के ओ एम स्क्वायर से। अब क्या होगा, जब इसका हम माइनस हटाएंगे तो ओ एन स्क्वायर हो जाएगा छोटा और ओ एम स्क्वायर हो जाएगा बड़ा। क्यों हो जाएगा, देखो मैं आपका इसका एक कॉन्सेप्ट यहां समझा देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जैसे देखो माइनस के तीन, सॉरी माइनस के दो बड़े होते हैं माइनस के तीन से, आपको पता है क्योंकि माइनस की संख्या छोटी होती है बड़ी होती है, बड़ी होती है छोटी होती है, माइनस के तीन माइनस दो से, सॉरी माइनस के दो माइनस तीन से होते हैं बड़े, जब दोनों के माइनस हटा देते हैं तो दो हो जाते हैं, वो तीन से क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, दो या तीन से छोटे होते हैं। इसी प्रकार जब ये बड़ा था माइनस का इससे, जब प्लस का किया तो ये छोटा हो गया इससे, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख देंगे, हटा देंगे इसको, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा ओ एन है वो छोटा है ओ एम से, और हमें क्या सिद्ध करना था, ओ एन है छोटा ओ एम से, ये तो सिद्ध करना था, तो हमारे पास में आ गया इति सिद्धम। ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट करिए और अपना सुझाव दीजिए। और अध्याय नंबर 12 में मैंने एक वीडियो कल छोटा सा डाल दिया था, वो फिर क्लास बंद हो गई थी, वो एक दो वीडियो आज डाल दिए हैं, तो इस तीन वीडियो में से आप पढ़ के जाना, आपके इसमें से जो सब भाग का 20वां या 21वां क्वेश्चन आता है वो अध्याय 12 का आता है, वो आपको 100% सॉल्व सही करके आओगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। यदि आपने मेरे वीडियो को सबसे ढंग से समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे, ये 100% आपका सत्य होगा। चलिए अगला वीडियो लेके आएंगे अपन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद। आप वीडियो देखिए और पसंद आते हैं तो अपना सुझाव दीजिए। ऑल द बेस्ट।